जब हम तंत्र साधना की बात करते हैं तो सीधे सीधे स्पष्टीकरण हमारा जो विज्ञान भैरव तंत्र है, शिव और पार्वती के बीच का जो संवाद है वहां पे जाना पड़ेगा। और विज्ञान भैरव तंत्र में साफ साफ स्पष्ट शिव ने गुरु रूप को धारण करते हुए अपनी पत्नी को, अपनी प्रेयसी को बताया है कि जो तंत्र मार्ग है वो गुप्त से गुप्त है, इतना गुप्त है कि उन्होंने कहा है कि हे पार्वती, इस तंत्र विद्या को, इस साधनाओं को, इस ज्ञान को जो मैं बता रहा हूं, इसको अपनी योनि के समान संभाल के रखना। इस प्रकार से उन्होंने उसको बताया हुआ है कि इतना गुप्त रखना कि जैसे अपने अंग हैं उनको छुपा के रखो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तंत्र का सीधे सीधे अर्थ यह है कि उसको बताया नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गुरु की जो वाणी होती है वो बड़ी रहस्यमय होती है, बड़ी टेक्निकल होती है, वो सीधे साफ स्पष्ट बात करता ही नहीं है, क्योंकि तंत्र का जो सिस्टम है वो सीधे सीधे मुक्ति मार्ग की ओर ले जा रहा है और बहुत ही रहस्यमय मार्ग है, लेकिन बड़ा दुष्कर भी है, क्योंकि तंत्र में हम बाहर से चोट मारते हैं, मंत्रों का प्रयोग कर रहे होते हैं, अलग अलग उच्चारण होते हैं, अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, एक अक्षरी से लेके षडाक्षरी मंत्र भी होते हैं, 36 अक्षरी मंत्र हैं। तो उन मंत्रों का अलग अलग योगदान है साधक की ऊर्जा को ऊपर बढ़ाने के लिए। साधक की ऊर्जा का अर्थ है जो कुंडलिनी उसकी है विराजमान, उस कुंडलिनी में अलग अलग चक्र हैं, 7 चक्र, उन 7 चक्रों के अलग अलग रहस्य विज्ञान हैं और हर चक्र पे अलग अलग देवी देवता, अलग अलग शक्तियों का स्थान है, और हर मंत्र की अलग अलग चोट जब पड़ती है उस केंद्र पे वाइब्रेशन होती है, यानी कि हर सेंटर की एक अपनी गति है, हर केंद्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, तरंग दैर्ध्य है। वहां तक जहां पे आप छू नहीं सकते हैं, जहां पे आप देख नहीं सकते हैं, तो वहां पे कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पे पहुंचाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, यानी जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च करी, और है तो सारा भगवान भैरव का ही सारा, तो उन्हीं से ही अर्जित जो ज्ञान है सभी ऋषि मुनि का, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और उसको जब हम कठोर रूप में लेते हैं तो तंत्र आ जाता है, यानी कि बाहर से आघात करके आप मुंह से जब बोलते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। अगर आप किसी से गलत बोलेंगे तो उसके भीतर जो तरंगे उठती हैं वो उसके भीतर क्रोध का भाव पैदा कर देती हैं और वो आपको ऊटपटांग कुछ भी बोल सकता है, मार भी सकता है। वहीं अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, उसकी एक अलग तरंग धैर्य है, उसके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा कर देती है और उसके हृदय से वो प्रेम फूटने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा बोला गया कहीं ना कहीं छूता है और हमारे सामने जो दृश्य है उसके सामने वो प्रकट होता है। उसी प्रकार से हमारे जो अलग अलग केंद्र हैं, उन अलग अलग केंद्रों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और उन मंत्रों की ऐसी डिजाइनिंग करी गई है ऋषि मुनियों द्वारा कि वो बिना किसी मीडिया के, बिना किसी मशीन के उन्होंने जान लिया कि जो हमारा वो सेंटर है वो किस ध्वनि पे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। कितने करोड़ों साल की मेहनत है, तो उस केंद्र पे जब हम उस स्पेसिफिक मंत्र को चोट मारते हैं बोलते हुए, तो जब हम बोलते हैं 2-4 बार बोलने से कुछ नहीं होगा, उसकी एक संख्या है निश्चित जो उन्होंने गणना करी हुई है कि इतनी संख्या इतने दिन में और प्रतिदिन इतना और किस माला पे और बाकी जो चीजें हैं, घंटा, डमरू, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए जब आप उनको प्रोसेस में लाते हैं तो एक शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 उन मंत्रों की वाइब्रेशन इतनी तीव्र हो जाती है, क्योंकि जबान की आदत नहीं होती उन मंत्रों को करने की, उस जीव पे वो मंत्र जब आ जाता है और उसकी वही वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो वहां पे उस केंद्र पे जो 7 चक्र हैं, जिस चक्र की मंत्र करे जा रहे होंगे, उस चक्र में वहां पे स्पंदन होना शुरू हो जाता है। वहां तक जहां पे आप छू नहीं सकते हैं, जहां पे आप देख नहीं सकते हैं, तो वहां पे कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पे पहुंचाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं,
यानी जो ऋषि मुनि लोग हैं उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च करी, और है तो सारा भगवान भैरव का ही सारा, तो उन्हीं से ही अर्जित जो ज्ञान है सभी ऋषि मुनि का, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और उसको जब हम कठोर रूप में लेते हैं तो तंत्र आ जाता है, यानी कि बाहर से आघात करके आप मुंह से जब बोलते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। अगर आप किसी से गलत बोलेंगे तो उसके भीतर जो तरंगे उठती हैं वो उसके भीतर क्रोध का भाव पैदा कर देती हैं, और वो आपको ऊटपटांग कुछ भी बोल सकता है, मार भी सकता है। वहीं अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, उसकी एक अलग तरंग धैर्य है, उसके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा कर देती है और उसके हृदय से वो प्रेम फूटने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा बोला गया कहीं ना कहीं छूता है, और हमारे सामने जो दृश्य है उसके सामने वो प्रकट होता है। उसी प्रकार से हमारे जो अलग अलग केंद्र हैं, उन अलग अलग केंद्रों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और उन मंत्रों की ऐसी डिजाइनिंग करी गई है ऋषि मुनियों द्वारा कि वो बिना किसी मीडिया के, बिना किसी मशीन के उन्होंने जान लिया कि जो हमारा वो सेंटर है वो किस ध्वनि पे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। कितने करोड़ों साल की मेहनत है, तो उस केंद्र पे जब हम उस स्पेसिफिक मंत्र को चोट मारते हैं बोलते हुए, तो जब हम बोलते हैं दो चार बार बोलने से कुछ नहीं होगा, उसकी एक संख्या है निश्चित जो उन्होंने गणना करी हुई है कि इतनी संख्या इतने दिन में और प्रतिदिन इतना और किस माला पे और बाकी जो चीजें हैं घंटा डमरू, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए जब आप उनको प्रोसेस में लाते हैं तो एक शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 उन मंत्रों की वाइब्रेशन इतनी तीव्र हो जाती है, क्योंकि जबान की आदत नहीं होती उन मंत्रों को करने की, उस जीभ पे वो मंत्र जब आ जाता है और उसकी वही वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो वहां पे उस केंद्र पे जो सातों चक्र हैं, जिस चक्र की मंत्र करे जा रहे होंगे उस चक्र में वहां पे स्पंदन होना शुरू हो जाता है, और जिसको तंत्र में पिक्टोरियल फॉर्म में अलग अलग देवी देवताओं के चित्रण के रूप में दर्शाया गया है कि हमने अगर इस प्रकार का मंत्र करा तो इस प्रकार की देवी जागृत हो जाएगी। वो देवी इसलिए पिक्चर फॉर्म में बताया गया क्योंकि उस मंत्र को करने से जब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी से उस केंद्र को हिला दिया तो वो एक बीज रूप में है, बिल्कुल सोया हुआ है, तो फूटने लगता है, और फूटने से पहले जोर मारता है तो बाहर की तरफ धक्का लगता है और उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ चीज अंदर से बाहर आ रही है। और इसको जो ध्यान ही नहीं होगा, दृष्टा भाव से देखता हुआ नहीं चलेगा, तो वो उस आवेग में बह के अलग अलग प्रकट रूपों में अपने भावों को दिखाता है कि मेरे में देवी आ गई, या मैं ही भैरव हो गया, या मैं ही काली हो गया, तो उसको उस रूप में बताता है। कई लोग बताते कि मैं ये सिद्ध हूं, मैं वो सिद्ध हूं, लेकिन वो सिद्ध बहुत छोटी सी चीज है, वो सिर्फ सीढ़ियां हैं। इसलिए संत लोग जो पहुंचे हुए हैं बताते हैं कि सीढ़ियां हैं साधना या सिद्धियां, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिद्धि जब आपने एक बात करी कि सिद्धि हो गई, तो उस सेंटर पे उस मंत्रों की चोट मारते हुए अलग अलग तांत्रिक प्रोसेस से, यंत्रों के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ऊर्जा पात कराते हुए, तो उस सेंटर की जो बीज था वो खुल गया। तो ऐसा नहीं कि आपने 1.25 लाख मंत्र करे एक 1.25 लाख में हो गया, वो उसके ऊपर जो बीज के ऊपर कवरेज है वो हमारे संस्कारों का है, हमने कितने पाप और पुण्य करे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसके ऊपर है, उसको वो तोड़ के बाहर आता है, और उस जो बाहर जो कवरेज है उसको गलाने के लिए गुरु आशीर्वाद, इष्ट कृपा और ध्यान की विधियां बहुत जरूरी हैं। बिना ध्यान की विधियों से वो गलेगा ही नहीं और अंदर से फूटेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर सिर्फ आप ध्यान भी करेंगे, ज्ञान भैरव तंत्र में जब बोल रहे हैं तो उसमें भी ध्यान की विधियां बताई गई। बोला तंत्र क्या है, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, तो वो बताया गया सिस्टम को कि आप ये ध्यान की विधियों को करो है देवी तो आपको ये प्राप्त होगा, इस ध्यान की विधि करो जिसमें सांसों को देखा जा रहा है तो ऐसा होगा। तो उस बीज को फूटते समय तो ये संस्कार हैं फूट के बाहर चले जाते हैं और उस केंद्र का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। वो केंद्र फूट गया, उसके भीतर जो भी गुण विद्यमान थे वो आपके कैरेक्टर हो जाते हैं, आपको करने नहीं पड़ते, वो कैरेक्टर हो गए, यानी कि आपका व्यवहार वैसा होना शुरू हो जाता है। तो
अगर हम बगलामुखी की बात करें तो अगर बगलामुखी का किसी को कृपा प्राप्त हो जाए तो उस बीज को फूटते समय तो ये संस्कार हैं फूट के बाहर चले जाते हैं और उस केंद्र का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। वो केंद्र फूट गया, उसके भीतर जो भी गुण विद्यमान थे वो आपके कैरेक्टर हो जाते हैं, आपको करने नहीं पड़ते, वो कैरेक्टर हो गए, यानी कि आपका व्यवहार वैसा होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बगलामुखी की बात करें तो अगर बगलामुखी का किसी को कृपा प्राप्त हो जाती है यानी कि वो सेंटर पे वो परिपक्व हो जाता है तो उस सेंटर के जो गुणधर्म हैं वो ये हैं कि वाचम मुखम पदम स्तंभ है, उनके मंत्र में बोला जाता है। भाई सामने वाला तो उस कैटेगरी का नहीं है, उसने कोई तंत्र नहीं सीखा है, वो कोई साधक नहीं है, वो सामान्य जीव है जिसने अपने कर्मों को संस्कारों को संचित करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ता चला जा रहा है, अपने जीवन को समान रूप से जी रहा है और उसी के समक्ष वो साधक है जिसमें वो गुण धर्म विद्यमान है। तो जब वो उससे बात करेगा तो उसकी दृष्टि नीचे झुक जाती है, उसके सामने बोल नहीं पाता है, यानी कि उसकी जीभ कील दी जाती है। ऐसा बोला जीवा कील है तो जीवा कील दिया, ऐसा नहीं कि कील ठोक देगा, जीवा कील दिया थी बताने का तरीका है, तो जीभ चुप हो जाती है, बोल नहीं पाता है। बुद्धि स्तंभ हो जाती है, यानी कि बुद्धि का स्तंभन हो जाता है, ना वो सोच पाता है ना समझ पाता है ना कुछ बोलने के लिए अंदर से आता है, तो ये उसका गुण है। लेकिन इसको भी अगर गुरु के सानिध्य में नहीं कर रहा है तो उसकी खुद की बुद्धि भी स्तंभित हो जाती है, वो विकृत होके उसको कुछ सोच समझ ही नहीं रहती, वो पागलों की तरह तरह घूमता हुआ फिरता है। तो उसको भी सही दिशा गुरु ही देता है कि किस दिशा में जाना है, अब तुमने ये मंत्र कर लिया है, अब शांत बैठना है, कौन सा ध्यान करना है, कौन सा मंत्र करना है, कौन सा तंत्र करना है। तो उनको जब वो करता हुआ आगे बढ़ता है और इसी तंत्र के सिस्टम में ही अलग अलग केंद्रों में अलग अलग शक्तियां विराजमान है, उन शक्तियों को जागृत करता हुआ धीरे 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 अपनी यात्रा को ऊपर बढ़ाता है और मूलाधार में जो शक्ति विराजमान है वो सहस्त्रार में जो शक्ति विराजमान है उसके साथ समागम करने के लिए उठ पड़ती है। इसीलिए जब काली का जब चित्रण आप देखते हैं तो वो मारती काटती चीखती चिल्लाती फाड़ती सबको मारती हुई आगे बढ़ती भयावह रूप में, क्योंकि उसका उग्रतम रूप है और वो तंत्र का रूप है। कहीं कहीं आपने काली को मुस्कुराता हुआ भी देखा होगा, भैरव के बहुत सौम्य रूप भी देखे होंगे, लेकिन उनके जो सौम्यतम रूप भी हैं वो भी बहुत भयानक हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले साधकों को भटुक भैरव के जो बाल रूप है उनकी साधना और उनका मंत्र देना शुरू करता हूँ, क्योंकि हर साधक की क्षमता नहीं होती है। तंत्र के जो सम्राट बोले जाते हैं वो भगवान भैरवनाथ ही बोले जाते हैं। बिना भगवान भैरव से आज्ञा लिए कोई भी व्यक्ति अगर तंत्र में उतरता है वो निश्चित तौर पर विक्षिप्त होता है और मृत्यु और अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हीं को ही आशीर्वाद है या उन्हीं का ही क्षेत्र है तंत्र, क्योंकि जो भैरव हैं वही शिव हैं और जो विज्ञान भैरव तंत्र को इसीलिए ही विज्ञान भैरव तंत्र बोला जाता है क्योंकि दे तो शिव रहे हैं गुरु रूप में, यानी कि गुरु रूप में जब बैठता है तो वो भैरव ही बैठता है, भैरव से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। यानी कि जो भी गुरु पदासीन हैं जो वास्तविक रूप में गुरु और शिष्य परंपरा को लेकर चल रहे हैं उनमें वो जो भैरव तत्व है वही उनके मुखारविंद से साधकों को गाइड करते हुए चलता है। तंत्र में जो फैली हुई हजारों भ्रांतियां हैं, मेरे पास हजारों साधक आते हैं मुझे अप्सरा सिद्ध करनी है, मुझे यक्षिणी सिद्ध करनी है, मैं उनको मना नहीं करता हूं कि उनके मन के विकारों को मैं जानता हूं, क्योंकि जब तक मन के विकार नहीं दूर होंगे भीतर से शांत नहीं होगा वो ये सिद्धि और साधनाओं के चक्कर से नहीं निकल पाएगा। ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं जो 250 दीक्षा लेके बैठे हुए हैं, अभी भी उनके अंदर वो लोभ है और लालच है कि मैं दीक्षा ले लूं अब दूसरे गुरु से ले लेता हूं मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें इसमें साइकोलॉजिकल भी होती हैं कि उनको समझानी पड़ती हैं कि तुम जो साधना करना चाहते हो आओ करो मैं बताता हूं। लेकिन उस भैरव की ऐसी कृपा है कि जो साधक आता है और नीति नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है मेरे साथ तो उसको वो ईष्ट वो भैरव उसी स्थान पर धीरे धीरे सरका के ले जाता है जहां उसको होना चाहिए, उनको उनके मन के विकारों से दूर करता है। ये जितनी भी क्षुद्र शक्तियां हैं चाहे अप्सरा है चाहे परी है चिन्ह है भूत हैं ये बहुत छोटी हैं और छोटी चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो वो छोटी चीज को पकड़ के अपनी दुकान सजा के ओझागिरी करने बैठ जाता है तो लोग उसको तांत्रिक कहना शुरू कर देते हैं।
तो तंत्र का जो इतना विख्यात रूप है, उस सिमट के बस एक छोटी सी दुकान में, एक झोपड़ी में बाबा के 100-10-50 रुपए के चक्कर में बिक जाता है। बस एक छोटी सी दुकान में, एक झोपड़ी में बाबा के 100-10-50 रुपए के चक्कर में बिक जाता है। और यही हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि तंत्र में अधिकतर जितने लोग हैं वो सब अनपढ़ गवार जाहिल हैं, जिनका पीछे को कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो सिर्फ लोभ और लालच चक्कर में, छोटे मोटे बाबाओं के चक्कर में घूम के एक अद्भुत प्रेत सिद्ध कर लिया, छोटी बूटी को शक्ति कर ली और उन्होंने झाड़फूक करना शुरू कर दिया और तंत्र का नाम बदनाम होना शुरू हो गया। तंत्र झाड़फूक नहीं है, तंत्र कोई सिद्धि साधना नहीं है, तंत्र पूरा का पूरा एक विज्ञान है जीव को शिव से मिलाने का। इसीलिए ही तंत्र का नाम शिव बार बार बोलते हैं। गुप्त रखो, गुप्त इसलिए रखो क्योंकि जो बाहर जाता है वो शक्तिहीन हो जाता है। जितना रहस्यमय रहेगा उतना ज्यादा पावरफुल रहेगा। और तंत्र में साफ साफ ये बोला गया है कि आप साधक को मौन रखिए, आप साधक अपनी दृष्टि नीचे करके चलिए, साधक ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधक जमीन पे सोए, साधक बाहर का कुछ भी ना खाए, अपने हाथ का बनाया हुआ खाए, निश्चित समय पे खाए, रोज सुबह 4 बजे से पहले उठ जाए, 4 बजे अपना पूजन पाजन ध्यान इत्यादि शुरू कर दे। तंत्र की जो साधना है वो रात्रि की साधना है। और रात्रि में जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने इस क्षेत्र में देखा है, उसको अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो पूरी आधी पृथ्वी पे अंधकार होता है और पूरी आधी पृथ्वी की जो दिमागी वाइब्रेशन है सब शांत रहती है, सब शांत रहती हैं। क्योंकि जब आप दिन भर काम करते हैं, हजारों तरह के विचार चलते हैं और पूरी आधी पृथ्वी पे वही चल रहा है, लूट खसूट, एक के ऊपर एक पैर रख के निकलना, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो प्राप्त करना है, किसी की हत्या हो रही है, तो जो पूरे दिन भर का जो समय है उस समय आप साधना के लिए नहीं अलाउड है। आपका समय वो है तंत्र में रात्रि का, 10-11 बजे के बाद जब पूरी आधी पृथ्वी शांत हो जाती है, वृक्ष जीव जितने भी हैं सब शांत हो जाते हैं और उनकी जो वाइब्रेशन है बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। उस समय जो साधक उठता है और साधना के लिए पूरी ऊर्जा से बैठता है उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो तंत्र में रात्रि में इसीलिए उस साधना को करने के लिए बोला गया है, 10-11 बजे के बाद बैठिए, 2-3 बजे तक बैठिए, 2 बजे तक बैठेंगे, 1 घंटा विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर 4 बजे उठ जाइए। क्योंकि 4 बजे साइंटिफिकली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो जो हम खाना खाते हैं रात्रि में, उसमें से एक रात्रि में द्रव्य रिसता है, क्योंकि वो नीचे सारा निकलता होता है ना, तो उसमें से एक द्रव्य रिसता है। मैं इसको खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं, तो मैं इशारों में बताऊंगा कि वो जो द्रव्य रिसता है वो मूलाधार पे चोट मारता है। मूलाधार पे जो चोट मारता है यानी कि कुंडलिनी को नीचे उठाने के लिए वो प्रोसेस में रहता है उस समय। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़कों की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि सवेरे सवेरे हमारे लिंग में उत्तेजना क्यों होती है, सवेरे उठते हैं उस समय लिंग में उत्तेजना होती है। दूसरा प्रॉब्लम, सवेरे सवेरे ही हमें स्खलन क्यों हो जाता है, हमें वीर्यपात क्यों हो जाता है सवेरे सवेरे, वही 4-5 बजे का ही समय रहता, किसी डॉक्टर से बात करिए वही भी बताएगा, किसी भी लड़के से बात करिए, उसी समय ही नीचे चोट मार रही होती है वो शक्ति। और उस समय कनेक्ट किससे करेगी, अगर आपका मन होगा तो मन में चल रहे जितने भी पुरानी फिल्में हैं, चित्र हैं और जो भी पुराना जन्मों का संस्कार है वो सब यहीं भरा हुआ है, तो हिट मारती ऊपर कि चलो ऊपर शिव से मिलन के लिए। अब यहां कहां शिव गायब है, यहां तो मन का पर्दा डला हुआ है, तो मन में जो होता है वो उसको चित्रण दिख जाता है, इसीलिए उनको जो है नंगी स्त्रियां दिखती हैं, अलग अलग चीजें दिखती हैं और उनका वो कामक विचार मौके की तरफ बह जाता है। तो यहां का विचार था जो उसको शिव से मिलन करा सकता था, उस कुंडलिनी का, उस शक्ति का शिव में विलय करा सकता था और मुक्त करा सकता था, उस समय नीचे बह जाता और खंडित हो जाता सब कुछ और अंदर ग्लानी भाव आता है सवेरे सवेरे, ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए ही अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो आपको बताएगा कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो वो कहेगा कि बेटा सवेरे का जो समय है ना उस समय सेक्स करो,
वो इसीलिए ही बताता है क्योंकि वो जानता है उस साइंस को बहुत गहराई से कि जो पचाया हुआ है वो उस समय नीचे चोट मारता है, इसीलिए उस समय उत्तेजना होती है। और इसीलिए साधक को बोला जाता है कि सवेरे 4 बजे उठ के बैठ जाओ, क्यों? क्योंकि वहां चोट मार रही है उस समय, रीढ़ की सीधी करके ऐसे बैठ जाओ और ध्यान लगाओ अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का। तो जब उस साधना को करता है तो धीरे 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 ऊपर ऊर्जा उठती है, नीचे नहीं बहती है। और ऊपर ऊर्जा उठती है एक निश्चित समय पे, जो हर साधक का समय है, उस समय पे उसका उससे मिलन होता है। कुछ साधक उसको ऐसे बोलते हैं कि ऊपर से उस समय बरस रहा है, वो बताने का दूसरा तरीका है। क्योंकि नीचे से ऊपर चोट पड़ रही है तो ऊपर हिट हो रही है, तो ऊपर हलचल हो रही है, तो यहां जो कैलाश विराजमान है, जो शिव विराजमान है, उससे उसका मिलन होता है। और जब मिलन हो जाता है और शक्ति फूट के इस ब्रह्म में लीन हो जाती है, तभी भीतर जो बैठा शिव है उसके भीतर से उद्घोष होता है कि शिवो हम भैरवो हम अहम ब्रह्मास्मि। तब उसकी उपस्थिति इस अस्तित्व में लीन हो जाती है, तब वो स्वयं बचता नहीं है। और पूरा का पूरा जो तंत्र का सिस्टम है वो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है, वो कोई साधना सिद्धि के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तंत्र सिर्फ यही बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। उस सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।